धरती से जुड़े कालखंड और इस पर रहने वाले जीवों और तमाम रहस्यों से इंसान अभी काफी अनजान है। विज्ञान और तकनीक के विकसित होने के बावजूद अभी कई रहस्यों से पर्दा उठना बाकी है। इन्हीं रहस्यों में से एक है डायनासोर। हालांकि इस जीव के अस्तित्व की जानकारी काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन अब जिस डायनासोर का जीवाश्म वैज्ञानिकों के हाथ लगा है उसने सभी को हैरत में डाल दिया है। दरअसल इसे अब तक के सबसे बड़े विशालकाय डायनासोर का जीवाश्म बताया जा रहा है। दुनिया में ऐसे शोध पर काम करने वाले वैज्ञानिकों को जीवाश्म वैज्ञानिक यानी पैलेंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। जीवाश्म वैज्ञानिक धरती से खुदाई के दौरान मिले जीवाश्म पर अध्ययन करते हैं। हाल ही में अर्जेंटीना से मिले जीवाश्म पर इन वैज्ञानिकों ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिससे यकीन मानिए धरती पर जीवों के इतिहास में एक नया आयाम जुड़ सकता है। दरअसल अर्जेंटीना में जीवाश्म वैज्ञानिकों ने डायनासोर के जीवाश्म की खोज की है। इस जीवाश्म की लंबाई चौड़ाई देखकर सभी दंग हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर यह अब तक के सबसे विशालकाय डायनासोर के जीवाश्म हो सकते हैं। क्रिटेशियस रिसर्च जर्नल के लास्ट वीक एडिशन में छपे इस डायनासोर के बारे में ये जानकारी दी गई थी। इसके बाद से दुनिया भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा ये जीवाश्म दक्षिणी अमेरिका के सुदूर दक्षिणवर्ती क्षेत्र पैटागोनिया में मिला है। पैटागोनिया को एक वक्त में विशालकाय जीवों का घर माना जाता था। इस क्षेत्र से मिला यह डायनासोर पृथ्वी पर 9.8 करोड़ साल पुराना बताया जा रहा है। इस जीवाश्म में लंबी लंबी 24 हड्डियां मिली हैं जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे विशाल पूंछ का हिस्सा रही होंगी। इसके साथ ही कूल्हे और छाती के हड्डियों के कुछ अवशेष भी मिले हैं। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में पाया कि यह जीवाश्म टाइटनोसोरस का हो सकता है। टाइटनोसोरस सौरापोडो समूह में आते हैं जिनके सदस्यों को सौरोपोड्स कहा जाता है। सौरोपोड पृथ्वी के सबसे विशाल जीवों में से एक हुआ करते थे। इनकी खासियत लंबी गर्दन और पूंछ, विशालकाय शरीर, छोटा मुंह और चार हाथियों के जैसे पैर होती थी। ये विशालकाय जानवर शाकाहारी भोजन करते थे। क्रिटेशियस रिसर्च जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में विशेषज्ञों ने बताया है कि जिस जीव का जीवाश्म पाया गया है वो अब तक का सबसे बड़ा सौरोपोड है। ये 10 करोड़ से 9.5 करोड़ साल पहले पाए जाने वाली पैटागोटिटन नाम की प्रजाति के जानवरों से भी बड़ा है जो 37.2 मीटर तक बड़े होते थे। शोधकर्ताओं का कहना है कि बाजू और जांघ की हड्डी के अध्ययन किए बिना डायनासोर के वजन का अनुमान लगाना मुश्किल है। फिर भी यह जीवाश्म पूरा नहीं निकला है, लेकिन जितने जीवाश्म पर अब तक अध्ययन हुआ है उससे शोधकर्ताओं को ये यकीन हो गया है कि अब तक का ये सबसे विशाल टाइटनोसोरस माना जा सकता है। टाइटनोसोरस अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाए गए हैं, लेकिन 40 टन से अधिक भार वाले टाइटनोसोरस सहित विशालकाय प्रजातियां ज्यादातर पैटागोनिया में खोजी गई हैं। बताया जाता है कि करीब 6 करोड़ 60 लाख पहले एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया था। इस टक्कर से जितनी ऊर्जा निकली थी वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 10 अरब गुना ज्यादा थी। एस्टेरॉयड के टकराने से सैकड़ों मील दूर तक आग का गोला फैल गया। इस टक्कर से समंदर में सुनामी की प्रलयकारी लहरें उठी थी जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। ये कयामत के आने जैसा था। पृथ्वी के वायुमंडल में भयानक बदलाव हुए जिससे कई जानवरों का खात्मा तक हो गया। इसी प्रलय के चलते विशालकाय डायनासोरस की तमाम नस्लें तबाह हो गई। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया के अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।